हेलो बच्चों, बहुत सारे नीट 2024 के एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे, जेई और नीट दोनों, जिनका 11th टोटल वेस्ट गया होगा। कोचिंग में कुछ समझ में नहीं आया होगा, स्कूल के बोर्ड एग्जाम से बिलो एवरेज गए होंगे, माँ बाप ने बोलना शुरू कर दिया होगा एक नंबर के नालायक हो, टीचर्स वैसे ही क्लास के पीछे बैठे वाले, या महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो पीछे बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं और जो लोअर बैचेस के स्टूडेंट्स, उनको कोई घास नहीं देता। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। अब आपके मन में 2023 जैसे पास आ रहा है, प्रेशर आपके दिमाग में भी डेवलप हो रहा होगा। यू मस्ट बी थिंकिंग, एम आई गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन वन ईयर और नॉट। अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेजेस लाइक दी आई टीज, कॉलेजेस लाइक एम्स, AFMC, अगर आप लोगों के ड्रीम कॉलेज है, दिस वीडियो इज फॉर यू। लेट मी टेल यू, इंक्लूडिंग माई ओन स्टूडेंट्स, मेनी 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 स्टूडेंट्स क्रैक दिस एग्जामिनेशन। दे गेट इन टू दी आई टीज, दे गेट इन टू एम्स, दे गेट इन टू AFMC इवन इन जस्ट वन ईयर। यस, अगर वो अपनी 12th की पढ़ाई सिंसियरली शुरू करते हैं, हो जाता है। The key schedule is कि अब आपको दो चीजों पर ध्यान रखना है। कौन सी दो चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है? एक एक तो आपका स्टडी स्केड्यूल बहुत अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। यू हैव टू बी लाइक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट विद योर स्टडी स्केड्यूल। फॉलो करना है, अब कोई छुट्टियां नहीं मनानी, अब लोगों की शादियों पे जाके नाचना नहीं है, अब एक साल ढंग से पढ़ाई करनी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बैकलॉग्स को साथ साथ मैनेज करते हुए चलना है, अबाउट विच आई विल कीप टेलिंग यू। मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोज बनाऊंगी। अब एक साल आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी, इस एक साल ऐसे नहीं किया थोड़ा पढ़ लिया छूट गया, बैकलॉग आने दिए। 12th की भी पढ़ाई अच्छे से करनी, थोड़ा सा 11 साथ में लेके चलना है, हो जाएगा। यू कैन स्टिल गेट इनटू द टॉप एम्स, टॉप IITs, हो जाएगा। आई विल टेल यू हाउ टू मैनेज, लेट अस सी। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। हाउ डू यू डू इट, राइट? मान लो आपका 11th बिल्कुल भी नहीं हुआ है, जीरो, राइट? बिल्कुल जीरो अंडा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल आपके ऐसे वाले हाल है कि भैया सर पे हाथ ही मारे, अभी क्या करें, बिल्कुल जीरो हुआ है, बिल्कुल बिहाइंड स्केड्यूल, कुछ भी नहीं आता, 5-10% भी नहीं आता। आप ये सोच लो, यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट 11, टेंशन मतलब तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं, यू आर नॉट अलोन। इस वीडियो में कैसे उसको ओवरकम करने में बताऊंगी। इनफैक्ट मैं बता रही हूँ, अगले साल नीट 2024 में जो बच्चे IITs में जाएंगे, जो बच्चे एम्स में जाएंगे, AFMC में जाएंगे, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, उनमें 35-55% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th में कुछ नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ एक साल की पढ़ाई अभी करने वाले हैं, पर अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। सबसे पहले बच्चों देखो, अभी ना आप लोगों का जो कॉलेज है, जो स्कूल की एकदम रिदमिक पढ़ाई है, वो मई से शुरू होगी। मई से पहले स्कूल की बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू नहीं होती है। ये जो मार्च का टाइम आने वाला है, जो अप्रैल का टाइम आने वाला है, आपको स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा बैकलॉग टॉपिक्स के लिए, स्पेशली मार्च में, राइट? मार्च यूजुअली हर जगह इजी होता है, कहीं पर भी क्लास 12th बहुत जोरों शोरों से शुरू नहीं होती है। अपने टाइम को डेली जो है ना, आप डेली तो जो पढ़ रहे हो, अगर आपकी थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू होगी स्कूल में 15-20 मार्च से, वो तो करो, बट करंट स्टडीज पे तो फोकस करो। लेट अस से मार्च के महीने में करंट स्टडीज पे 30-40% फोकस करो, बिकॉज कहीं पर भी पढ़ाई बहुत स्पीड से नहीं हुई है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए, प्लीज उस लिंक पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली तुम वाइटी बायोटॉनिक पे चले जाओगे, वो लिंक तुम्हें कंप्लीट क्लास 12th के बारे में बताएगा, राइट? तो करंट स्टडीज तो आपकी होगी, क्लास 12th हमारे यहाँ वेदांतों में भी शुरू हो रही है, उसके बारे में करंट स्टडीज आपकी 30% फोकस करो। ये जो मार्च का महीना है एंड जो 15 दिन आपके पास अप्रैल के पड़ेंगे, इसमें यू रियली नीड टू फोकस मोर ऑन बैकलॉग्स, स्पेशली दोज टॉपिक्स विच आर लिंक्ड टू क्लास 12th. Do those properly. Pick up some easy topics. Pick up some high weightage topics. मेरे videos देखिए, मैंने high weightage topics पे बात की हुई है. 2-3 hours, अगर अभी आप मार्च में 6 hours पढ़ाई कर सकते हो, and you can do it. It is all about self belief, self confidence. अभी तक बहुत ज़्यादा पढ़ाई का load शुरू नहीं हुआ है. You can very easily manage. If you are able to devote at least 2-3 hours every day just to complete your backlogs. I am telling you, in the month of March and April, your 30-40% of backlog is going to be very easily covered with just 2-3 hours. Ab sell kar lijiye. Ab sab chhodiye, ab meri 7 baje ki class lagaiye, human physiology kar lijiye. Aapka 40% syllabus khatam ho jayega. Very easily, this is doable, this is easy, right? And you have to do it.
और कोई चांस भी नहीं है ना। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी टाइम टेबल आपने बता लिया, डोंट मेक योर प्रेजेंट टॉपिक एज द न्यू बैकलॉग। ये मैं सबसे सारे, इट इज अ मेंटल थिंग। देखो सारे बच्चे सोचेंगे बस अभी 11th का पढ़ेंगे, उनके दिमाग में एक टेंशन हो जाएगा, एक बोझ हो जाएगा। और जो बच्चे अभी 12th के बाई चांस अगर ये वीडियो देख रहे हैं, उनको उनको पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। उनको इतना स्ट्रेस हो जाएगा, इतना टेंशन हो जाएगा, वो बैकलॉग इतनी टेंशन लेने लग जाएंगे, वो 11th पढ़ने लग जाएंगे, 12th में उनको लगेगा मैंने दोनों साल की पढ़ाई करनी करनी है, मिनिमम टाइम में करनी, रोज के एक दो दो घंटे। पर ऐसा ना हो कि जो आपका करंट टॉपिक है, जो करंट चल रहा है, देखो 12th आपकी मुट्ठी में होनी चाहिए अक्टूबर तक। अप्रैल में यूजुअली हर जगह क्लासेस शुरू होती है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 6-7 मंथ्स में आपकी 12th आपकी मुट्ठी में होनी चाहिए। करंट टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि नवंबर दिसंबर में भी आपका 11th हो जाएगा, टेंशन मत लो। नवंबर दिसंबर ऑफ 23 में 24 का 11th हो जाएगा, राइट, पढ़ लोगे। बट अगर आपको बैकलॉग अभी प्रेजेंट टॉपिक के भी आ गए ना, तो ठन ठन गोपाल हो जाओगे, क्योंकि 11th तो वैसे ही डूब चुकी है, साथ में अगर तुम्हारी 12th भी डूब गई तो तुम्हारे पास बचा क्या। इसीलिए प्रेजेंट टॉपिक के नोट्स बनाइए, बैकलॉग जैसे जैसे आपको स्केड्यूल मिलता जा रहा है थोड़ा बहुत वैसे करिए, राइट। और ये डू नॉट सैक्रिफाइस योर एवरीडे, ऐसा ना करो कि मैं प्रेजेंट को आग लगा दूं पास्ट के चक्कर में। पास्ट तो जो होना था सो हो गया, डू नॉट मिस द करंट टॉपिक्स। करंट टॉपिक्स को मुट्ठी में लाओ, करंट टॉपिक्स पे नोट्स बनाओ, करंट टॉपिक के टेस्ट दो। करंट टॉपिक तो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। कभी भी कोई ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ बच्चों जो अनअचीवेबल हो, जो और मेंटल स्ट्रेस एग्नी कॉज करेगा, क्योंकि टाइम टेबल तो खत्म ही नहीं होगा। वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक्स, आपको पता है कि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पसंद है, मान लीजिए आप ह्यूमन फिजियोलॉजी करने के लिए महीना ले लो, एक महीने में सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी करो, डेली टारगेट्स छोटे छोटे, 1.5-2 घंटे का बैकलॉग करो, 3-4 घंटे का प्रेजेंट टॉपिक करो। स्मॉल गोल आपको मोटिवेट करेंगे, बड़ा गोल बना लोगे, कुछ ऐसा कर लोगे जो अचीव ही नहीं हो सकता। आपको भी पता है, मुझे पता है, फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर, बायो के 4 चैप्टर नहीं होगा एक दिन में, नॉट पॉसिबल। डीमोटिवेट हो जाओगे, सोचोगे होगा ही नहीं, सोचोगे मैं तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता, मैं तो इंजीनियर बन ही नहीं सकता। स्मॉल टारगेट्स चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज, रियली स्मॉल, धीरे 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 करके सब हो जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम आपको जितना मिलता है, कोई फैमिली फंक्शन नहीं अटेंड करना, कोई होली इस साल नहीं खेलनी, कोई दिवाली नहीं करनी, कोई स्कूल में टाइम वेस्ट नहीं करना, जो भी छुट्टियां आ रही हैं, जो भी आ रहा है, अभी आपका 11th खत्म हुआ है, 12th मान लो आपका मार्च एंड में शुरू हो रहा है, अभी 20 दिन की आपको छुट्टियां दे दी है, ये थोड़ा है कि आपने होली खेलनी है, घूमना है, फिरना है, जो फंक्शन जो आ रहा है आप सब छोड़ दो, एक साल के लिए दीन दुनिया को त्याग दो, जस्ट लीव एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, गिव योर एंटायर टाइम ओनली टू फिनिश योर बैकलॉग्स। Between your school, coaching classes have not started, school is closed, what do you do with that extra time? Finish your backlogs. Whatever extra time you are getting, you will only finish your backlogs and slowly increase your study. Right? क्यों बैकलॉग हुए? क्योंकि आपने अपना टाइम वेस्ट किया, जब आपको पढ़ाई कर रही थी आपने इंस्टाग्राम किया, फेसबुक किया, टाइम वेस्ट किया, राइट, जो होना था हो गया। अब स्टडी आवर्स को बढ़ाओ, अगर 3 घंटे पढ़ते हो 4 घंटे, 4.5 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ते हो 5, 5.5 घंटे पढ़ो, एक डिसिप्लिन तरीके में सुबह थोड़ा उठना शुरू करो, रात को 1 घंटा एक्सटेंड करना शुरू करो, सुबह 1 घंटा फिजिक्स करना शुरू करो, रात को एक्सटेंड करके बायो करना शुरू करो। इफ यू डू दिस इन अ वेरी डिसिप्लिन वे, स्लो एंड स्टडी, यू विल नॉट हैव बैकलॉग्स, लेट मी टेल यू। स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। आई होप ये जो बहुत डुएबल चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको हेल्प करेगी। फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दिया है, उस लिंक पे नीट 2024 का जो बैच वेदांतो ने लॉन्च किया है उसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी है। YT बायोटॉनिक कोड लगाओ और हमारी लॉन्ग टर्म क्लासेस में आ जाओ। टेक केयर, बाय।